हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरागिन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत बेसिक वीडियो है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपना मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है और जिन्होंने मुझसे पूछा है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने मेमोरी कार्ड को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने मेमोरी कार्ड को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों को पता है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना है कि आपने मोबाइल फ़ोन पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, तो आप यहाँ पर से इसमें क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर से सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्टोरेज का। तो यहाँ पर नीचे को जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास कहीं ना कहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोरेज का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख लेता हूँ स्टोरेज का ऑप्शन मेरे पास कहाँ पर है, स्टोरेज एंड यूएसबी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड यूएसबी, तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आपके इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है और यहाँ पर आपको ये आपका एसडी कार्ड दिखा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर से सैमसंग का एसडी कार्ड है तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर से सैमसंग के एसडी कार्ड को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए इसमें जो भी डेटा है वो सब का सब मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे ये फोल्डर है, ये सारे फोल्डर हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको और भी डेटा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर से इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने मेमोरी कार्ड को, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से देखिए आपके पास थ्री डॉट्स होते हैं, आपने इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, तो आप यहाँ पर से इसमें क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आपने यहाँ पर से सेटिंग्स पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है फॉर्मेट का, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आपने फॉर्मेट में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक मैसेज आ गया और ये यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं तो आपका जितना भी डेटा है जो आपने अपने एसडी कार्ड में स्टोर किया है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना ही चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर लीजिए, नहीं तो उससे पहले आप क्या कर लें, इसका बैकअप ले लें। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एसडी कार्ड में तो पहले उसका बैकअप ले लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है इंपॉर्टेंट डेटा और आप उसको फॉर्मेट ही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से इरेज एंड फॉर्मेट में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इरेज एंड फॉर्मेट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जितना भी आपके उसमें डेटा होगा वो सारा का सारा उड़ जाएगा और आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका होगा। तो यहाँ पर ही देखिए आपके पास एक मैसेज आता है डन का, अगर आप यहाँ पर से डन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका मेमोरी कार्ड जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ पर से देखिए अगर मैं इसमें बैक करता हूँ तो जो भी फोल्डर हमारे उसमें थे वो अब यहाँ पर से कोई भी नहीं रहे होंगे, हमारा जो कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर से जो फोल्डर थे वो यहाँ पर से डिलीट हो चुके हैं। ये जो फोल्डर हैं ये यहाँ पर से सिस्टम के फोल्डर हैं, ये हमने इसको एंड्रॉयड फोन में लगाया है इसलिए यहाँ पर इसने डॉट एंड्रॉयड और सिक्योर यहाँ पर से एक फोल्डर इसमें बना रखा है और उसके बाद यहाँ पर से लॉस डॉट डी आई आर यहाँ पर से इन्होंने जो फोल्डर है वो बना दिया है इस मोबाइल फोन ने। अगर आप इस मेमोरी कार्ड को कहीं और यूज़ करते हैं अपने पीसी में, उसमें आपको ये फोल्डर इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके आप आसानी से अपना मेमोरी कार्ड जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको यहीं कहीं पर दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप वहां पर से क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जितने भी हम पोस्ट डालते हैं यूट्यूब में, जितने भी वीडियोज डालते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।